असलमैक्कम इट इज़ मी सईद वज़ी आज हम बात करेंगे रिकमेंडेड बुक्स के हवाले से एंड दैट ट्रू फॉर द पेपर्स ऑफ इंग्लिश एस एंड इंग्लिश प्रेस ए बोथ इन द एग्जाम्स ऑफ सी एस एस एंड पी एम एस स्टूडेंट्स जितने बुक्स मैं आपको आज रिकमेंड करूँगा इट डजेंट मीन के आप सारों को परचेज करें इसमें से आप जो भी परचेज करेंगे वन और टू बुक्स दे आर मोर देन एनफ क्योंकि एकेडमिकली स्टूडेंट्स एक प्रिंसिपल है कि रीड वन बुक टेन टाइम्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग टेन बुक्स वन टाइम तो एक बुक को आप सही तरीके से एक्सटेंसिवली रीड करें न कि आप टेन बुक्स को रीड करें एक स्केची एक हैब हैजर्ड या एक रैंडम अप्रोच के साथ स्टूडेंट्स टू बिगेन वेदम सबसे पहले जो ब्रांड नेम है आपके इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से दैट इज हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रिटन बाय रेन एंड मार्टन की के साथ आप इसको परचेज करें सॉफ्ट में भी इट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट गेट इट प्रिंटेड और स्टूडेंट्स जब भी आप कोई टेक्निकल इश्यूज फेस करेंगे यू कैन कंसल्ट इट्स की नंबर सेकंड स्टूडेंट्स एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर रेमेंड मर्फी ने इसको कंपोज किया है इसेंशल इंग्लिश ग्रामर नंबर थर्ड इंटरमीडियट इंग्लिश ग्रामर अगेन रेमेंड मर्फी अगेन रेमेंड मरफी स्टूडेंट्स नंबर फोर अफजल अनवर मुफ्ती के हवाले से मैं आपको बताऊंगा ये एक पाकिस्तानी राइटर है और अगर आप लोग किसी भी फारन आतर को नहीं पढ़ सकते इफ यू पीपल आर हैविंग इशूज वट एवर ईशोजा तो स्टूडेंट सबसे जो ओथेंटिक राइटर है पाकिस्तान के हवाले से बल्कि सब कॉन्टीनेंट के हवाले से वो है आपका अफजल अनवर मुफ्ती इसके स्टूडेंट्स में आपको बुकलेट्स के हवाले से बताऊँगा टेंसिस के बारे में ले लें पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से ले लें नरेशन के हवाले से ले लें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिफाइज स्पेसिफाइज के हवाले से ले लें और कंपिटेटिव एडवेंस्ड लेवल पर स्टूडेंट्स आप लोग इसका जो है ग्रामर एंड कंपोजिशन सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन दिस इज़ रिकमेंडेड फॉर द एग्जाम्स ऑफ सी एस एस एंड पी एम एस मे बी स्टूडेंट्स के सम ऑफ द टीचर्स दे गो फॉर फॉरन ऑथर्स बट बेस्ट ऑन माई एक्डेमिक एक्सपीरियंस आई विल रिकमेंड यू के स्टूडेंट्स आप फर्स्ट अफजल अनवर मुफ्ती के बुक्स को रीड करें बिकॉज दे विल डिवेलप यूर थरू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसके अलावा स्टूडेंट्स एक फिफ्थ सोर्स प्रैक्टिकल इंग्लिश यूज है माइकल्सवान लेकिन ये ज़्यादा एडवांस लेवल पर है ठीक है मैं आप लोगों को अगेन रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स कि आप लोग रेन एन मार्टन को पढ़ लें हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन इसके बाद आप लोग अफजल अनवर मुफ्ती को पढ़ ले इट्स मोर देन एन ठीक है इसके अलावा स्टूडेंट्स ओकेबलरी के हवाले से यूट्यूब पे जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं साथ लिंक्स भी दूँगा ठीक है अगर आप लोग साफ्ट में डाउनलोड करेंगे इसको तो ईजिली यू कैन डाउनलोड स्टूडेंट्स ओकेबलरी के हवाले से दिस स्पॉट इज इंपॉर्टेंट या पे स्टूडेंट्स ऑफ सेट वन थाउजेंड ओकेबलरी का एक स्मॉल बुकलेट इट इज अवेलेबल ऑनलाइन सेट से आई विल आल्सो शेयर ऑन माय पेज फेसबुक पेज ठीक है और साथ साथ मैं लिंक भी अपलोड करूंगा ताकि आप लोग फिर आसानी से डाउनलोड करें स्टूडेंट्स इसमें वन थाउजेंड वर्ड है थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा 1000 वर्ड्स के साथ इसने टू सिनोनिम्स दिए हैं टू सिनोनिम टोटल कितने वर्ड्स आपको मिल गए सेवेंटी पे इट्स इट uh, uh, तो 70 पेजेस पे आपको वर्ड्स मिलेंगे और हर वर्ड के साथ इसने टू सिनोनिम्स थ्री सिनोनिम्स भी दिए हैं कितने हो गए टोटल थ्री थाउजेंड अगर स्टूडेंट्स आप लोग खुद इस पे काम करें और हर वर्ड के साथ आप दो सीनाम्स लिख लें और दो एंटनिम्स लिख लें तो स्टूडेंट्स फोर थाउजेंड आप और भी ऐड करें तकरीबन ये आपका सेवेंटी पेजिस का जो डॉक्यूमेंट है दिस विल कंटेन मोर देन सेवन थाउजेंड वर्ड्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे ग्रुप से फेसबुक ग्रुप पर ऐसे एंड प्रेसी विद सईद वजीर या पेज से या इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में साथ पोस्ट करूँगा सेकेंड सोर्स स्टूडेंट्स बेस्ट टेस्टिंग स्ट्रेटजीज जी आर ई प्रिपरेशन बाई म ये भी साफ्ट में अवेलेबल है ऑनलाइन ये जो मैं आपको इनके टाइटल्स बताता हूँ इनके नेम्स आप एज इट इज पेस्ट करें सर्च इंजन में लिख लें सात पी डी एफ लिख लें दे विल appear and you can download them. So, students second the best testing strategies Jerry prep by Magosha. Third, how to build a better vocabulary Maxwell and Morrison. How to build a better vocabulary Maxwell and Morrison. Students, this is an authentic source. Se. Number fourth, students, again it is very easy. Uh, फाइव जीरो फोर एप्सोलोट एसेंशल वर्ड्स फाइव जीरो फोर एब्सलोट एसेंशल वर्ड्स बाई मोरे ब्रोम ब्रोमबर्ग ब्रोमबर्ग मोरे ब्रोमबर्ग स्टूडेंट्स ये जो फाइव जीरो फोर वर्ड्स हैं दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंपिटेटिव एंड एकेडेमिक एग्जाम्स और स्टूडेंट्स अगर इनके साथ भी आप लोग दो दो तीन तीन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स यू कैन इजिली यू कैन इजिली इनक्रीज इट थ्री थाउजेंड और फोर थाउजेंड वर्ड्स और सी में आप ऐसे तकरीबन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वर्ड से लेके थ्री थाउजेंड वर्ड्स तक आप ऐसे लिखेंगे ठीक है स्टूडेंट्स नंबर फिफ्थ जो सोर्स है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस ने लिखा है वर्ड पावर मेड इजी ये भी स्टूडेंट्स रिकमेंडेड हैं नंबर सिक्स में आपको रिकमेंड करूंगा डान स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे आप लोग डान न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या दी न्यूज़ या डेली टाइम्स या दी नेशन ठीक है या इकानमिस्ट या डिप्लोमेट या फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स या इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप या ईपरी या आईएसएसआई या पिलडेट जो भी आप सोर्सेस पढ़ते वर्ल्ड टाइम्स कारावान एडवास्ड जो भी पब्लिकेशंस आप पढ़ते स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे लेकिन हियर द मोस्ट इम्पोर्टेंट द मोस्ट पर्टिनेंट सोर्स इज न्यूज़पेपर रीडिंग तो स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे आप एक के बना दे ओ का कंसिस्टिंग ऑफ फाइव वर्ड्स इच डे ठीक है स्टूडेंट्स हाँ फाइव वर्ड्स आप डेली लिस्ट करें एक रजिस्टर ले लें इस इन फाइव वर्ड्स के साथ दो दो सीना वन और टू एंटानिम्स लिस्ट करें और अपने अल्फाज में कंप्लीट सेंटेंसेस की फॉर्म में यूज भी करें तो स्टूडेंट्स अगर आप डेली ये एक्सरसाइज एक सिस्टमेटिक एक स्ट्रक्चर्ड एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के साथ करेंगे तो स्टूडेंट्स मंथली पे आप मंथली uh, मंथ uh, के बिल्कुल एंड पे मंथली अगर आप हिसाब लगा दें तो स्टूडेंट्स यू कैन गेदर यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन इंटरनलाइज 300 वर्ड्स 400 वर्ड्स और फिर आगे आप ऐसे के लेंथ को भी देख लें ऐसे आपने लिखना है स्टूडेंट्स ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से लेके थ्री थाउजेंड वर्ड्स तक का अभी स्टूडेंट्स क्लास के बिल्कुल लास्ट फाइनल पार्ट में मैं आप लोगों को जनरली ऐसे के स्ट्रक्चर के हवाले से बुक्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऐसे के, के स्ट्रक्चर को आप किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है या फिर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है इनमें से कोई एक आप ले लें नंबर वन स्टूडेंट्स पैराग्राफ राइटिंग मेड इजी रोज मैरी ने इसको लिखा है नंबर सेकंड इफेक्टिव एकेडमिक राइटिंग एलिस सेवेज ने नंबर थर्ड एकेडमिक राइटिंग फ्रॉम पैराग्राफ टू एसे जेमेका नंबर फोर हाउ टू राइट अ पैराग्राफ कथलीन हाउ टू राइट अ पैराग्राफ केथलीन नंबर एसेंशियल्स ऑफ एसे राइटिंग निगल एसेंशियल्स ऑफ एसे राइटिंग निगल और फिर स्टूडेंट्स नंबर सिक्स आता है मेरे ख्याल में ऐसे राइटिंग मेड इजी स्टीफन इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आप लोग एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सईद सदात एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सैद सदाता इल्मी सीरीज में आप लोग ये जरूर ले लें इसमें आप ऐसे प्रेसी दोनों को कवर कर सकते हैं अच्छा स्टूडेंट्स ऐसे के जनरल नॉलेज को कम्प्रीहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज को डिवेलप करने के लिए कंप्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज या आर्ग्यूमेंट्स को डिवेलप करने के लिए स्टूडेंट्स में आपको बुक्स रिकमेंड करूँगा पाकिस्तान बियंड द क्राइसिस स्टेट पाकिस्तान मैनिफेस्ट डेस्टने टेक ए मैगनीफिस डिलोजन द बैटल फॉर पाकिस्तान ठीक है आयशा जलाल के बुक्स आप पढ़ लें अभी मुझे नाम याद नहीं वाई नेशंस फेल पढ़ लें टे पॉपुलरिज्म पढ़ लें इसके अलावा स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर में डान सबसे ज़्यादा डान पढ़ा करें द न्यूज़ पढ़ा करें आई पी आर आई पढ़ा करें आई एस एस आई पढ़ा करें पिल डॉट के पब्लिकेशंस पढ़ा करें आ, इसके अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ जो हमारे थिंक टैंक से इनके पब्लिकेशंस पढ़ा करें अगर आप लोग वाशिंगटन पोस्ट को न्यूयॉर्क टाइम्स को मास्को टाइम्स को फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन अफेयर्स को डिप्लोमेट को ज़ज़ीरा को बीबीसी को पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स तो आप लोग ऐसे के फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नॉलेज को डिवेलप करें और स्टूडेंट्स आप कॉन्टेंट्स यूअर नॉलेज और स्टाइल यूअर लैंग्वेज के बेस पे आप इंग्लिश एसे और प्रेसी को पास करेंगे क्वालिफाई करेंगे विथ फ्लाइंग कलर्स सिर्फ स्टूडेंट्स लैंग्वेज भी नहीं नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट द रिकमेंडेड बुक्स फॉर द पेपर ऑफ़ एस एंड प्रेसी अगेन आई एम मेक इट सिंपल स्टूडेंट जरूरी नहीं कि आप ये सारे बुक्स ले लें मैं कहता हूँ कि एक एक आप ऐसे का ले लें जो पहले आ, प्रेसी ग्रामर के हवाले से मैंने बताया फिर ऐसे के हवाले से मैंने बताए आप बेशक रेनल मार्टन को ले लें अफजल अफजल अनवर मुफ्ती को ले लें और इसमें सिर्फ ये दो पे मैं रिकमेंड करूँगा पैराग्राफ राइटिंग मेड इजी बाय रोज और इफेक्टिव एकेडमिक राइटिंग एलिस सेवेज सिर्फ ये दो ले लें तो स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें लर्न इंग्लिश विद सईद वजीर सी एस एस इंग्लिश एस एंड विद सईद वजीर फेसबुक पेज और कंटेक्ट नंबर ज़ीरो थ्री फोर फाइव जीरो नाइन नाइन सेवन एट डबल टू टिल देन अला हाफ